स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब। क्यूब का फर्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब, एंड देन नेक्स्ट सेकंड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज ए। एंड लेटर या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड देन डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज √3 इंटू ए यूनिट। ए इज साइड, दैट इज √3 इंटू साइड। Now start question number 19. Question number 19 is find the volume, the total surface area and the lateral surface area and the diagonal of cube, each of whose edge measures. एक जो क्यूब की एज है वो गिवन है 8 meter। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम, सेकेंड टोटल सर्फेस एरिया, थर्ड इज द लेटर सर्फेस एरिया, एंड फोर्थ वन इज डायगनल ऑफ क्यूब, ये फाइंड करना है। नाउ सी, साइड ऑफ क्यूब इज 8 meter। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन साइड क्यूब, साइड इज 8 क्यूब मीन टू से 8 into 8 into 8 इंटू 64, एंड 64 इंटू 8 इज 512 meter क्यूब। नाउ सेकेंड, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला ऑफ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इंटू 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 8 इज 64 इंटू 6 दैट इज 84। नाउ थर्ड, लेटर सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला ऑफ लेटर सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 8 इंटू 8 इज 64, एंड 64 इंटू 6 इज 256 meter स्क्वायर। नाउ थर्ड, सॉरी फोर्थ, डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज, फॉर्मूला इज √3 इंटू साइड, एंड साइड इज 8। तो उसने हमें √3 की वैल्यू जो है वो गिवन की है बुक में 1372। सॉरी, उसने जो गिवन किया 1.73, तो हम 1.73 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ क्यूब आ जाएगी। तो बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ 1.73 इंटू 8 इज 13.84 meter। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 cm², फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमने विद द फॉर्मूला ऑफ सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब की यूज द फॉर्मूला ऑफ सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, वहां से हमने साइड फाइंड करनी है और साइड को यूज करके हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो साइड फाइंड करने के लिए उसने हमें सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन किया है। नाउ सी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 cm². तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड इज ए। हमने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए 1176 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ये जाएगा 2 के टेबल पे 2 3 6, 5 2 10, एंड 8 2 16, 8 2 16, एंड गोस टू टेबल 3 3 1, एंड 3 1 3, 9 3 27, एंड 6 18। तो स्केयर को इस साइड लेके आया तो ये बन गया रूट 196 का जो रूट होता है 14, दैट इज जो हमारे पास साइड ऑफ क्यूब आई जो ए है दैट इज 14 cm। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब दैट इज 14 क्यूब, 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 14 से 196 इंटू 14 दैट इज 784 cm क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट सरफेस एरिया।
विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम यहाँ से साइड फाइंड करेंगे, देन उस साइड को सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. नाउ सी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब. फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, ये क्यूब उस साइड जाके क्यूब रूट. और 216 6 की पावर 3 दैट इज 3 और 3 कैंसिल, ये आ गया 6 सेंटीमीटर. अब यहां से हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 6, तो 6 36 36 इंटू 16 इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज इन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 22 सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, तो यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वहां से साइड फाइंड करके देन आफ्टर हमने सरफेस एरिया का फाइंड करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डिमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड इनटू 18 सेंटीमीटर एंड इनटू 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्टेड इनटू अ क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब. कहते हैं कि हमारे पास क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करना है, और मेल्ट करके किस फॉर्म में उसको रिकास्ट करना है, क्यूब की फॉर्म में. तो मेल्ट करके जब भी किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है तो उसका वहाँ से हमें वॉल्यूम है, तभी वो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, उस क्वांटिटी को यूज़ करके हमने किस फॉर्म में उसको रिकास्ट करना है, क्यूब की फॉर्म में. देन उसके बाद क्या हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब. हमने क्या करना है, क्यूबॉइड को मेल्ट करना है और उतने साइज की, उतनी डिमेंशन की हमने एक क्यूब तैयार कर देना है. ठीक है, क्यूब को रेडी करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा जब मेल्ट करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के. तो वहां से हमने क्यूब की साइड फाइंड कर लेनी है, तो वो हमारा आंसर आएगा. नाउ सी डिमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इज 24 इंटू 18 इंटू 4 सेंटीमीटर. अब क्या करना है इसको, अब इसको क्या करना है, क्यूबॉइड को मेल्ट करना है. वेन क्यूबॉइड इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्टेड इन टू अ क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के जो डिमेंशन हमारे पास गिवन है 24 इंटू 18 इंटू 4, और फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब. तो अब इसका रूट, क्यूब रूट दैट इज 1 रेज़्ड टू पावर 3, तो 24 के जो फैक्टर्स होते हैं 12 2 24, 6 2 12 एंड 2 3 6, 3 1 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 18 इज 3 3 9 एंड 9 2 18 एंड 4 इज 2 2 4. यहाँ पे एक 2 इज ऑन 6 टाइम एंड 3 इज ऑन 3 टाइम, पावर 1/3. तो यहाँ से 2 रेज़्ड टू पावर 6 1/3, 3 रेज़्ड टू पावर 3 1/3, तो 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 1 3, तो यह आएगा 2 इंटू 2, 2 रेज़्ड टू पावर 2 एंड 3 रेज़्ड टू पावर 1 दैट इज 4 इंटू 3 इज 12 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर each edge of cube is 12 centimeter. Now next question, edge of
फर्स्ट क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, एच, एंड एच ऑफ सेकेंड क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, एंड एच ऑफ थर्ड क्यूब इज 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, इन तीनों को मेल्ट करना है। वन थ्री क्यूब क्यूब्स आर मेल्टेड डाउन एंड रिकास्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब। तो यहां से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब किसके इक्वल हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब के। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब उसकी साइड 5, तो दैट इज 5 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब। सेकंड एज ऑफ द क्यूब इज 4, दैट इज 4 क्यूब, एंड थर्ड इज 3 क्यूब। जो सिंगल क्यूब का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है उसकी साइड साइड ही ले लेंगे, क्योंकि उस साइड हमने फाइंड करनी है, उस साइड क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया 5 5 25 25 into 5 is 125 प्लस 4 4 16 एंड 16 4 64, 3 3 9 एंड 9 3 27। तो 125 प्लस 64 एंड प्लस 27 इज 216 इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये क्यूब इस साइड आके क्यूब रूट, जो हमारे पास 216 वो 6 का क्यूब होता है। यहां से 3 और 3 कैंसिल, तो साइड ऑफ सिंगल क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसका लेटर सरफेस एरिया फाइंड करना है, सो देयरफॉर लेटर सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज साइड क्यूब, सॉरी 6 into साइड स्क्वायर। तो साइड इज 6, तो 6 into 6 is 6, दैट इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।